कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज फार्माकोग्नोसी, जो कि बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट के इससे पहले कि हम लोग दो लेक्चर अपलोड कर चुके थे, उसमें हम लोगों ने इसके अलग अलग पार्ट जो थे फिफ्थ यूनिट में, पहले इसके पहले जो भी था, फाइबर्स वगैरह देखा और नेचुरल एलर्जन प्लांट प्रोडक्ट्स देखा था। अब हम बात करेंगे प्लांट के कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट का। प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट क्या होते हैं कि जो प्लांट के अंदर बनते हैं और वो आप उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। आप ये बुक की जो स्क्रीनशॉट है इसको यहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा अपना आसान लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उससे कुछ प्रॉपर जनरल फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए और ज़रूरी होते हैं, जैसे क्या, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट, ये सब जो है बेसिक मेटाबोलाइट है जो कि किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा जेनरस क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन होता है और इसको हम लोग प्लांट से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी हम लोग भी इसी मेटाबोलाइट को ऑब्टेन करते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे पेड़ों से हमको अनाज मिलता है, फलों से हमको, पेड़ों से फल मिलते हैं, वो सब क्या हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। ये पूरे हर प्रकार के प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं। ये बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं सेल के, जो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं ये यूजफुल पार्ट होते हैं प्लांट के, और ये प्लांट की लाइफ के लिए ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो अब हम हमारे सिलेबस में कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, प्रोटीन है, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम पहले भी ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में, तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके जो कार्बोहाइड्रेट के कुछ ड्रग हैं, प्रोटीन के कुछ ड्रग हैं, एंजाइम के कुछ ड्रग हैं जो प्लांट से मिलते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनमें क्या वही सब बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, यही सब हमको पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपको डेफिनेशन पता है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और वाटर के इक्वल 1:1 के रेशियो में मिलकर बने होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन क्या होता है, सैकराइड, पॉलीसैकराइड, जिसमें मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, और सैकराइड में क्या है, मोनो, डाई, ट्राई, ओरिगो, सब ऑलरेडी आपको पता है। पॉलिसी जैसे शुगर के एक मॉलिक्यूल है मोनोसैकराइड, शुगर के दो मॉलिक्यूल है डाइसैकराइड, शुगर के तीन मॉलिक्यूल है ट्राइसैकराइड, शुगर के तीन से ज़्यादा हैं तो ओलिगोसैकराइड, और ढेर सारे हैं तो पॉलीसैकराइड, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, अब से मोनोसैकराइड क्या होते हैं, मोनोसैकराइड में जिसमें सिर्फ कार्बन की एक शुगर मॉलिक्यूल, अब वो शुगर मॉलिक्यूल डिपेंड करता है एक से लेकर सात तक हो सकता है, अगर दो है तो बाइओज, तीन है तो ट्राइओज, एग्जाम्पल भी दिया, बायोज का एग्जाम्पल, ट्राइओज का एग्जाम्पल ग्लिसरेडीहाइड है, अगर उस पर चार कार्बन से मिलकर बना है तो टेट्राओज है, इसका इरेथ्रोज एग्जाम्पल है, पांच कार्बन से मिलकर बना है तो पेंटोज है, छह से मिलकर बना है, ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, परेशान नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से केवल ड्रग के बारे में पूछता है। डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल जो डिसोसिएट होने के बाद शुगर के दो मॉलिक्यूल टूटता है, जैसे सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, दो मोनोमर मॉलिक्यूल है, सुक्रोज क्या है, एक डाइमर मॉलिक्यूल है। ट्राइसैकेराइड जो तीन में टूटता है, जैसे रेबनोज, रेबनोज टूटता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, जैसे कि जेंटानियोज टूटता है ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। उसी तरह टेट्रासैकेराइड जो चार मॉलिक्यूल में टूटे, जैसे स्टाइकोज, ये टूटता है किसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज में, ये चार मॉलिक्यूल में टूटता है। तो पॉलीसैकेराइड मतलब जिसमें 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो वो पॉलीसैकेराइड। केमिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल टेस्ट का मैंने ट्रिक भी डाला हुआ है, आप ट्रिक पे जाके देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, मॉलिस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बेंडिक टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है, बर्फोर्ड टेस्ट है, स्वान सेल्विन सॉफ्ट टेस्ट है, ये सारे टेस्ट में कौन से रिएजेंट होते हैं, कौन सा कलर देता है, ऑलरेडी मैं आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल पढ़ा चुका हूं और इसकी एक ट्रिक वीडियो पड़ी है, आप सर्च करिएगा ट्रिकी क्लास, ट्रिकी बायोकेमिस्ट्री में, तो इस सारे टेस्ट को कैसे याद करेंगे उसका एक ट्रिक दिया हुआ मैंने, उस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं और ट्रिक को लिख सकते हैं, वो ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होते हैं फ्रेंड, आपको पता है कि किसी भी जो ड्रग मॉलिक्यूल में मेडिसिन जो होती है वो दो चीज़ से मिलकर बनी होती है, ड्रग प्लस एक्सीपिएंट। ड्रग वो होते हैं जिसका हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, और एक्सीपिएंट वो होते हैं जो ड्रग को थोड़ा सा बल्क बनाता है और ड्रग को उसके स्टेबल करता है, ताकि वो क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी के साथ वो हमारे ड्रग को स्टेबल रखता है, कैरिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ हम डालते हैं एक्सीपिएंट जिसे कहते हैं, उसे हम लोग फार्मास्यूटिकल ऐड्स कहते हैं। अब वो फार्मास्यूटिकल ऐड के जो कुछ एग्जांपल हैं हमको यहाँ पे देखने हैं, उसी तरह से प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, ये सब डेफिनेशन है, ये सब आपको मतलब नहीं है, आपके काम की चीज़ देखिए, ये एक प्रोटीन के टेस्ट है, कैसे हम प्रोटीन को डिसाइड करते हैं, सिंपल प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ये भी सब आप देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप बायोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं बायोकेमिस्ट्री में। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जिलेटिन से, यानी कि अब आपको कुछ ड्रग्स दिए रहेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स के, उसके आपको बायोलॉजिकल सोर्स प्रॉपर्टीज़, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज, इतना आपको याद करना है, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग ये पढ़ना शुरू कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं जिलेटिन से, यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करिएगा। जिलेटिन को आप, जिलेटिन जानते हैं क्या है फ्रेंड, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, आपने कैप्सूल खाया है,
आप जब भी कैप्सूल खाते हैं तो आपने देखा होगा जो कैप्सूल का सेल होता है ऊपर का, वो किसका बना होता है? वो जिलेटिन का बना होता है। वो जिलेटिन बनता कहाँ से? वो हमारी ही आपकी हड्डियों से या एनिमल बोन से के उसके उसको डिजोल्व करके उसको बनाया जाता है। तो उसको फिर बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है। इसको सिनोनिम क्या होता है जिलेटिन को? हम जिलेटिन या जेल फोम के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर ले तो जिलेटिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है जो कि हम एनिमल के कोलेजन टिश्यू यानी स्किन टेंडन लिगामेंट बोन के बॉइलिंग वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमेशा फ्लैक्स के सीट में इसके फॉर्म में आते हैं। प्रिपरेशन कैसे करते हैं जिलेटिन का? इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जिलेटिन बनाने के जितने भी बोन्स होते हैं उसको पहले डीकैल्सीफाइड कर लेते हैं, डीफैटेड कर लेते हैं, इसको डिजॉल्व करके पूरी तरह से सॉल्वेंट में मिनरल एसिड डालते हैं। तो उस बोन से जो हड्डियाँ होती हैं पुरानी हड्डियाँ जानवरों की, उन हड्डियों से बेसिकली क्या निकल जाता है, जितना भी डिफैट और कैल्शियम निकल जाता है। उसके बाद जो भी बचता है उसको हम लोग 85 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के साथ उसको गर्म करते हैं लगातार। फिर उसके करते हैं उसमें से जिलेटिन, उसमें से कोलेजन डिजॉल्व हो जाता है और जिलेटिन हमको मिल जाता है। फिर उसको हम ब्लीच करके रूम टेम्परेचर पर ड्राई कर लेते हैं और फिर उसको अलग अलग शेप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जिलेटिन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? देखिए जिलेटिन में बेसिकली तो देखा जाए तो लाइसिन एक अमीनो एसिड होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ इसमें ट्रिप्टोफैन भी कुछ अमाउंट में पाए जाते हैं और जिलेटिन में ग्लूटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बात करेंगे स्टैंडर्ड की तो उसमें एस वैल्यू करीब 3.2% से कम होती है। जेल स्ट्रेंथ करीब 150-250 होता है। एलओडी जो होता है लॉस ऑन ड्राइंग करीब 15% से कम होना चाहिए। पीएच 3.6-7.6 के आसपास होना चाहिए और माइक्रोबियल सॉल्ट की लिमिट इतनी होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब है कैसे, अगर आपके सामने कोई जिलेटिन रखा है तो आप कैसे पहचानेंगे? इट इन्वॉल्व्स अमोनिया व्हेन हीटेड विथ सोडियम लाइम। ठीक है, जब क्या करते हैं इसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन से मिलकर बना है, उसमें नाइट्रोजन होता है। दूसरा, इट कैन प्रेसिपिटेट बाय ट्रिंट रोफेनॉल एंड सोल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड बट नॉट विथ एलम लेड एसिटेट और एसिड। मतलब ये क्या होता है, रोफेनॉल और सोडियम टैनिक एसिड के साथ ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, लेकिन ये लेड एसिटेट और उसके साथ तुम्हारा जो एलम होता है उसके साथ प्रेसिपिटेट नहीं करता है। ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर रेड कलर देता है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है जो कि बाद में ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाकी के साथ नहीं होता। यूज़ क्या है जिलेटिन का, पता है आपको? ये कैप्सूल सेल बनाने में काम आता है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये पेसरीज, पेस्टीज, पेसल्स और सपोजिटरी बनाने में भी काम आता है। जिलेटिन एक तरह का एडजॉर्बेंट जिलेटिन स्पंज होता है, वो भी होम्योस्टैटिक सिस्टम में आपके फिंगर नेल्स, मायोस्टिक डिफेक्ट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में भी ये काम आता है। ये हमारा हो गया फ्रेंड जिलेटिन। ठीक है, ये इसका यूज़ हो गया। दूसरा हम बात करेंगे केसिन। केसिन भी क्या है हमारा का? एक तरह का ऐड है। केसिन कहाँ पड़ता है? आपने देखा होगा जो प्रोटीन पाउडर आपको मिलता है, तो प्रोटीन पाउडर में ढेर सारे प्रोटीन में कुछ प्रोटीन होता है और काफ़ी पार्ट उसका मिल्क पार्ट, मिल्क प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोटीन क्या होता है? केसिन। तो केसिन क्या होता है? दूध से मिलने वाला मिल्क प्रोटीन है। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है केसिन को? जो होता है बेसिकली ये इट इज़ अ प्रिंसिपल फास्फोप्रोटीन इन मिल्क एंड कॉन्स्टिट्यूएंट 3% ऑफ मिल्क, कंप्रेज अबाउट 80% टोटल प्रोटीन कंटेंट इन मिल्क। ठीक है ना, मैं करीब ये मिल्क से मिलता है और करीब दूध के 80% भाग में से 3% भाग जो होता है वो केसिन प्रोटीन होता है। मार्केट में जो होता है केसिन पैकेट दो प्रकार का आता है, एसिड केसिन और रेनोलिन केसिन, रेनल केसिन आता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आपको पता है मिल्क प्रोटीन पाउडर कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, स्लाइटली येलो होता है, हल्का पीला, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, स्टेबल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये एल्केन्स में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में और प्रेसिप में सॉल्युबल होता है और डायलूट सॉल्यूशन के साथ ये प्रेसिपिटेट बना लेता है। केमिस्ट्री की बात करें जो केसिन होता है वो एक तरह का फॉस्फो प्रोटीन है जिसमें 0.85% फॉस्फोरस और 0.75% सल्फर होते हैं। इसके साथ साथ ये इसमें 15 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इनका मॉलिकुलर वेट कभी हाई होता है करीब 75,000 से 3,70,000 और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 4.7, नाइट्रोजन कंटेंट करीब 15-16% होता है। स्टैंडर्ड आपको सामने कैसे आप पता करेंगे? यूज़ क्या है केसिन प्रोटीन का आपको पता है, डाइटरी सप्लीमेंट, सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्योर। ठीक है, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरी ये हमारा तो पहला था फार्मास्यूटिकल ऐड। फार्मास्यूटिकल ऐड में हमने क्या पढ़ा, जिलेटिन और केसिन हमारे सिलेबस से होते तो बहुत सारे हैं लेकिन सिलेबस पे केवल जिलेटिन और केसिन है, क्योंकि जिलेटिन का यूज कहा है कैप्सूल बनाने में और केसिन का यूज कहा है प्रोटीन पाउडर बनाने में। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंजाइम्स का मेन काम क्या होता है कि ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमें हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल का पाचन करते हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, जो भी हम खाते हैं उनका हमारे शरीर में पाचन करने का काम क्या होता है, एंजाइम करते हैं। इनकी ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये करीब 35-40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा काम करते हैं। ये सब डिटेल आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, हमको इसके ड्रग के बारे में पढ़ना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये क्या होते हैं, इस सबको डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एंजाइम का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे ड्रग पूछेगा एंजाइम का कौन कौन सा ड्रग है। तो एंजाइम के हमारे पास शरीर फ्रेंड कौन कौन से ड्रग है, पेपेन हमको पढ़ना है सिलेबस में, पेपेन के साथ हमको रोमेलिन पढ़ना है, सेरेसियोपेप्टाइडेज पढ़ना है, यूरोकाइनेज पढ़ना है,
स्ट्रेप्टोकाइनेस पढ़ना है और पेप्सिन पढ़ना है। ये 5-6 एंजाइम जो हमारे सिलेबस में है हमको उनके बारे में पढ़ना है कि उनके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज, ये सब बारे में पढ़ना है। तो एंजाइम का डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट एंजाइम के ऊपर प्रोडक्ट पे आते हैं। तो पहला हमारा है पपेन। पपेन आप जानते हैं फ्रेंड कि आपके पेप्सिन का डेरिवेटिव है, और ये पपेन मतलब पपेया से मिलता जाता है, पपेया जानते हैं पपीता, जो पपाया होता है उससे ये पपेन हमको प्राप्त होता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स बात करें तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीरोटिक एंजाइम जो कि डिराइव्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ द अनराइप फ्रूट ऑफ द मेलन ट्री, करिका पपाया यानी पपीता का जो होता है उसका जो दूध निकलता है ना, लेटेक्स जिसको बोलते हैं, उसके कच्चे फल से उसको लेटेक्स से निकाल के इसको बनाया जाता है पपेन को। इसकी फैमिली होती है कैरिकेसी। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कच्चे जो फल होते हैं पपीते के उसको इकट्ठा करते हैं, उसके उस पर से काटा चीरा मार करके उसका दूध निकालते हैं, लेटेक्स निकालते हैं, उसको एक ट्रे में इकट्ठा करते हैं। ट्रे में रखने के बाद उसको हम ड्राई करते हैं, फिर उसमें पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड करीब 5 ग्राम पर किलो हिसाब से मिलाते हैं, और फिर उसमें एक्स्ट्रेजनल मैटर भी इसको डाल करके करीब 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करके हम लोग ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद जो पाउडर मिलता है वो पाउडर क्या है, पपेन है। और वो स्पेसिकली पपेन क्या है, एंजाइम होता है। डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो प्रोपेन जो होता है लाइट ब्राउन या वाइट कलर का होता है, और इसका ऑर्डर और टेस्ट जो होता है वो टिपिकल है, थोड़ा सा कसैला होता है, और ये इसमें प्रोटियोलैक्टिक एक्टिविटी जो पीएच ये 5 से 6 के बीच में सबसे अच्छा काम करता है, और ये वाटर और ग्लिसरीन दोनों में ही सॉल्युबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम बात करें केमिकल नेचर की, तो प्रोटीरोटिक एंजाइम है, इसमें सबसे प्रोपेन होता है जो कि पपेन और काइमोपेपेन का मिक्सचर होता है। ये प्रोटीरोटिक एंजाइम है जिसका मेन काम होता है ये प्रोटीन के ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या काम करते हैं आपके सामने हुआ है। अगला है हमारा फ्रेंड, ये हमारा ये पेज फिर से आ गया, इसको छोड़ दीजिए, इसको स्किप मारिए। ठीक है, तो हम पपेन की बात पढ़ेंगे, हमने पपेन देख लिया, तो पपेन के बाद डिस्कस करेंगे हम केसिन। अगला हमारा पपेन हमारा पढ़ने के बाद हमारा अगला प्रोटीन है, फिर से ये पेज डिस्टर्ब है थोड़ा सा, आप उसको छोड़ दीजिएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करिएगा। पपेन के बाद हमारा जो दूसरा ड्रग है, देखिए पपेन का यूज़ देख लीजिए, पपेन का जो यूज़ है वो क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो आपने देख लिया कि दूध में डाल दो तो दूध को दही बना देगा, कर्डिंग कर देगा, ये इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। यूज़ क्या होता है, ये क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेज, यानी जितने भी मीट और मांस होते हैं और पेय पदार्थ होते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग इस पपेन का यूज़ करते हैं। इसको मांस वांस को साफ करने के लिए चमड़ा उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। इसके साथ साथ ये पनीर बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर आपको दूध फाड़ना हो तो पपीते का दूध डाल दीजिए, पपेन से पनीर फट जाए बन जाएगा। ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी काम होता है। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जांपल है ब्रोमेलेन। ठीक है, ये ब्रोमेलेन भी एक एंजाइम है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ब्रोमेलेन एक तरह का मिक्सचर होता है, प्रोटीरोटिक एंजाइम होते हैं जो कि किससे मिलते हैं, ये पाइनएप्पल प्लांट के, इसको एनस कॉस्मोसस के फैमिली है ब्रोमेलेशी, उसके जो हमारे पाइनएप्पल प्लांट होते हैं उसके रिपेन यानी उसके जो कच्चे फल होते हैं, ठीक है, जो हमारे पके फल होते हैं राइपन फ्रूट, उस पके फल से हम इसको निकालते हैं ब्रोमेलिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ये भी होता है, और जो ये मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम भी होता है जैसे कि हमारा पहले वाला था। केमिकल क्वेश्चन में बात करें तो ब्रोमेलिन एंजाइम में पेप्टाइडेज, एनेन, कॉस्मेकेन, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें उसमें मिली होती है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये बेसिकली अवेलेबल ये ऑर्डरलेस फॉर्म में, कलर फॉर्म में ये मिलता है। एक्सट्रैक्शन इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फल जो हमारा पाइनएप्पल होता है उसको छोटे छोटे पीस में काट देते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, उसको खूब इस तरह से मिक्स करके उसका जूस निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पाइनएप्पल का जूस निकाला, फिर उस जूस को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं कपड़े के साथ। ठीक है, और उसको फिल्टर करते हैं और उसको उसके पीएच को करीब 6 तक हम लाकर एडजस्ट करते हैं घटा बढ़ाकर। फिर उसमें क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट डाल देते हैं, और डालने के बाद तब तक डालते हैं जब तक वो एंजाइम पूरी तरह से प्रेसिपिटेट ना कर जाए। और जब वो फिर क्या करते हैं, उसको हम प्योरीफिकेशन करने के लिए उस एंजाइम में सोडियम साइनाइड को डालते हैं, उसके बाद 0.6% अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन को डाल के एसीटोन के साथ वॉश करते हैं। फिर जो प्रेसिपिटेट मिलता है उसको वैक्यूम में ड्राई करके टेम्परेचर में हम पाउडर फॉर्म में उसको मिला प्राप्त कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो ब्रोमेलिन वाटर सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनसॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉर्म अल्कोहल में भी ये इनसॉल्वेंट है। यूज इसका क्या है, बेसिकली ये ओडोमा ड्यू टू सर्जरी, जहाँ पे हम कभी सर्जरी होती है कहीं पे तो वहाँ पे सूजन आती है ना, तो उस एरिया को ठीक करने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर जाता है तो उसको डिजॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा दूसरा एंजाइम था पेप्सिन के बाद ब्रोमेलिन। तीसरी हम बात करेंगे सेरासियोपेप्टाइडेज की, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी सेरासियोपेप्टाइडेज या कीमोट्रिप्सिन के नाम से भी मिलता है, जब भी किसी पेशेंट का कोई सर्जरी हो, कोई ऑपरेशन हो, फोड़ा हो, तो उसकी जल्दी हील करने के लिए, जल्दी भरने के लिए डॉक्टर लोग सेरासियोपेप्टाइडेज का टैबलेट देते हैं। तो ये भी एक तरह का एंजाइम है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक तरह का प्रोटीरोटिक एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया से मिलता है, जो कि जीनस सेरासिया, सेरासिया जीनस के बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिल्क वर्म के गट में पाए जाते हैं, उससे ये निकाला जाता है। यानी ये बैक्टीरिया एंजाइम है, ये बैक्टीरियल नेचर का है, बैक्टीरिया से निकाला जाता है। सेरासियोपेप्टाइडेज जो है क्या करेगा, वेरी इफेक्टिव बैक्टीरियल एंजाइम होता है जो कि
ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन से भी ज़्यादा इसका अच्छा इफेक्ट पाया जाता है। इसको हम ऑरली टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, उसके बाद ही हमारे और इन्फ्लेमेटरी ऑर्गन में जाकर के वहाँ पे ये रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, ये वहाँ पे हिस्टामिन ब्रेडिकाइनिन हाइड्रोलाइजिंग से प्रोटीन एंजाइम को इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे इन्फ्लामेशन क्या होता है वहाँ पे रिड्यूस होता है। कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें सिंपल से सेरेसोपेप्टाइडेज जो है वो, इसको सेरालिन या सेरेसोपेप्टेज भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, सेरेसोपेप्टाइड जो होता है एक प्रोटोलिटिक एंजाइम होता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसकी बुक के बॉडी से निकाला जाता है, जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिल्क वॉर्म में पाया जाता है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या है सेरेसोपेप्टाइडेज का फ्रेंड, ये इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं रिजोल्यूशन में। इसके साथ साथ ये स्पुटम लिक्विड लिक्विफिकेशन जो होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक इफेक्ट को जब किसी दवा के साथ एंटीबायोटिक साथ इसको देते हैं, एंटीबायोटिक इफेक्ट को कई गुना बढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल से प्रोटोलिटिक एंजाइम है, इसमें बेसिकली जो हमारे होते हैं 26 फैक्टर प्रोटीएज पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये 7.1 रेशियो होता है इसका एमजी सॉलिड का। यूज क्या है, मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम है, जिसको कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये घाव को भरने के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला यूरोकाइनेज। यूरो मतलब नाम से लग रहा है यूरिन, यूरिन मतलब यूरो मतलब यूरिन से लग रहा है, यानी कुछ मिलता जुलता किससे, हमारे यूरिन से। तो यूरोकाइनेज की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो यूरोकाइनेज भी एक तरह का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, तो वो एंजाइम की हम बात अगर करें यूरोकाइनेज की, तो यूरोकाइनेज को हम लोग प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यूपीए भी कहा जाता है। यूरोकाइनेज को प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी, तो एक तरह का सेरिन, ये डिस्क्रिप्शन में ये लाइफलाइज वाइट पाउडर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है फ्रेंड, बहुत शॉर्ट में लिखा है ऑलरेडी, बस आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन ये कैसे बनाते हैं इसको, इसको यूरोकाइनेज को करते हैं, ह्यूमन के यूरिन से इसको अलग करते हैं, 10 घंटे तक करीब उसको ट्रीटमेंट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर थ्रोम्बोप्लास्टी एक्टिविटी के साथ इसको चेक करते हैं। केमिकल एप्लीकेशन क्या है, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, इसके साथ साथ ये हमारे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी हमारे बॉडी में जहाँ भी थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होता है एथ्रोमा का ब्लॉक का, उसको डिजॉल्व करने के लिए, क्लिक क्लॉट को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये सब इसके यूज़ है, और इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके, ये सारे ही यूज़ हैं फ्रेंड कि इसका क्या क्या दुनिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला हमारा एंजाइम है फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज भी क्या है, एक एंजाइम है जो कि बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाइन बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, ह्यूमन में प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट करता है, यानी कि ये भी हमारे ब्लड में, बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, कहीं कहीं पे माइग्रेन होता है या किसी को हैमरेज होता है या हार्ट के पास कहीं क्लॉटिंग होता है, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करें तो ये एक तरह का देखा जाए तो ये स्टराइल फ्राइएबल सॉलिड है, वाइट पाउडर है, यह सॉल्युबल होता है वाटर में। इसकी मैक्सिमम पीएच एक्टिविटी पीएच 7 पे ये काम करता है। ठीक है, यूज़ क्या है देख लीजिए, ये थ्रोम्बोलिटिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, मानी जहाँ भी पल्मोनरी में या ब्लड वेसल में कहीं भी अगर एथ्रोमा बन रहा है तो उसको ये डिजॉल्व करता है, क्लॉट को डिजॉल्व करता है और पेशेंट के लिए आरामदायक रहता है। प्रोडक्शन कैसे होता है ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोडक्शन लिखने की जरूरत है नहीं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके। स्टोरेज वही है, इसको 18 डिग्री सेल्सियस से कम पे रखते हैं, 3 सप्ताह के लिए इसको स्टोर किया जाता है। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए इसमें करीब बेसिकली इसमें एंटी साइलोटेड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जिसकी हाफ लाइफ करीब 6 घंटे की होती है। ठीक है, अगला हमारा एंजाइम है फ्रेंड पेप्सिन। तो पेप्सिन भी क्या है, एक तरह का हमारे कौन से है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ये भी सबस्टिंग होता है जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। ये किसी भी एनिमल के गैस्ट्रिक जूस से निकाला जाता है, किसी भी एनिमल के गैस्ट्रिक जूस से इसको हम निकालते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ये एक तरह का म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट स्टमक में उसी से ये रिलीज होता है और इसी से इसको निकाला जाता है। पेप्सिन का डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये लाइट या बफ वाइट कलर का होता है, इसमें जो होता है वो ट्रांसलेशन स्केल में, बाकी इसमें लिटिल एसिडिक या सैलाइन टेस्ट होता है इसका। ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉर्म ईथर में इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है कि अगर हम पेप्सिन को हीट करें तो ये क्या होता है, ये इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, क्योंकि ये प्रोटीन है और प्रोटीन आपको पता है हाई टेम्परेचर में डीनेचर्ड हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, तो कैसे बनाते हैं इसको, क्या करते हैं, किसी भी स्टमक को लाइनिंग से डिजॉल्व करते हैं एसआईसीएल को, फिर उसमें से इवेपोरेशन डायलिसिस करके हम पेपेन को अलग करते हैं, पेप्सिन को अलग करते हैं। थेरेपेटिक यूज़ क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसको सिरप के फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में देते हैं लोगों को खाना डाइजेस्ट करने के लिए। स्टोरेज आप देख ही रहे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक जो जितने ड्रग थे वो हमारे एंजाइम थे, तो हमने आज की क्लास में फार्मास्यूटिकल ऐड के देख लिया और एंजाइम देख लिया। अब इसमें बचा है फैट, जैसे फैस्ट में कैस्टर है, चलमुगरा ऑयल है, वूल फैट है, ठीक है, बीज वैक्स है हमारे सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद कुछ हमारे अदर ड्रग्स हैं जिसमें एंटी कैंसर एंटी कोगुलेंट ड्रग है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करके यूनिट 5 भी खत्म करेंगे, यानी एक लेक्चर और बचा है कोग्नोसी, हमारा यूनिट 5 पूरी तरह से खत्म होने वाला है। नोट्स बनाना आपका काम है, आप बनाइए और पढ़िए, तब तक के लिए जय भारत माता की।